नमस्कार मित्रों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन है आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद की श्री में है। और सर्वप्रथम आप लोगों को एक बार पुनः धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये धनतेरस आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा का संचार करे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। महाराज धन कुबेर आपकी सुख समृद्धि में चार चांद लगाएं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो धन धैर्य आप पश्चिम बंगाल के किसान साथियों ने बना के रखा था, जो धैर्य गुजरात के किसान साथियों ने बना के रखा था, उसका परिणाम भी अब मिलना शुरू हो गया है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वह पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर केरल तक की मंडियों के भाव। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि ये भाव जो है अस्थिर रहेंगे, कच्ची या पक्की, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस समय पर जो बाजार का भाव चल रहा है, दिवाली का माहौल चल रहा है, और दक्षिण भारत में दिवाली की मांग अधिक होने की वजह से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। इधर सितरंग चक्रवाती तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में भारी बरसात का देखने को मिल रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के किसान साथी ज़्यादा परेशान थे। कई बार हमें रात में फ़ोन करते थे कि सोनू भाई क्या होना है, तो सबसे पहले हमने उनको एक बात बता दी, वेट एंड वॉच, यानी कि आप उसे देखिए और उसे समझिए और उसके बाद में निर्णय लीजिएगा। और अब जो है उसके पश्चिम बंगाल के किसान साथियों को भी आलू के अच्छे दाम जो है मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। तो इधर गुजरात के भी मार्केट में आग लग चुकी है और आलू के रेट भी काफ़ी अच्छे स्तर पर बिक रहा है। दिशा हो, गुजरात का बनासकांठा हो, या हो अहमदाबाद, या हो राजकोट, सब जगह आलू की इतनी हैवी डिमांड निकल के आई है दिवाली से पहले के सारी मंडियों में। आज रविवार होने के बावजूद भी अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंडियों में बैलेंस बिल्कुल समाप्ति हो जाएगा, क्योंकि कल की दिवाली है। मंगलवार को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसकी वजह से मंडियाँ बंद हैं, और बुधवार तक, यानी कि आप खुद जान लीजिए, अब जब बुधवार के बाद में जब मंडियां खुलेंगी तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होगा। ऐसे में जब बैलेंस नहीं होगा तो एकाएक आलू के रेटों में जो गाड़ियां जो कोल्ड स्टोरेज से आप लोगों द्वारा निकाली जा रही है किसान साथियों, वो गाड़ियां जब पहुंचेंगी तो आप लोगों को उसके अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर हिट कर लीजिए। सभी जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो तत्काल ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लोगों को एक्यूरेट जानकारी मिल रही है तो फिर ऐसे चैनल से दूर नहीं रहिए, जुड़ के रहिए, कनेक्ट रहिए। सोनू चौधरी जो बता रहा है उसका आपको ग्राउंड जीरो पे असर भी देखने को मिल रहा है। हवा हवाई फायर करने वाले बहुत रहे हैं। तो आज रविवार होने के बावजूद दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 37-97 स्टोर वाला 850 से लेकर 950 रुपये, जो गीला है सूखा आलू 950 से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक बिका है। चिप्सोना आगरा अलीगढ़ का 1050 से लेकर 1150 रुपये प्रति कट्टा, चिप्सोना चंदौसी बदायूं वाला 1100 से लेकर 1200 रुपये, सूर्या आगरा अलीगढ़ का 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा, सूर्या चंदौसी बदायूं बिसौली और बिलसी वाला 1200 से लेकर 1350 रुपये प्रति कट्टा तक। अगर बात की जाए आपके LR जो कि गुजरात पंजाब और UP का 750 से लेकर 800 रुपये प्रति कट्टा, अगर शुगर फ्री LR की बात करें तो 850 से 900 रुपये। अगर बात कर लेते हैं डायमंड आलू की, तो डायमंड जो है पंजाब का डायमंड जो है 850 रुपये से लेकर 950 रुपये, UP का डायमंड 1050 से लेकर 1100 रुपये। अगर बात करें T7 की तो 1000 रुपये से लेकर आपका 1050 रुपये, और ऊना शिमला और ये जो हल्द्वानी है वो 1900 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके हैं। आज रविवार होने के बावजूद देखिए दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 114 गाड़ियों की आवक है, 26 गाड़ी कल की बैलेंस दी, और आज लगभग जो इतनी हैवी डिमांड है आज़ादपुर मंडी में, क्योंकि कल से दिवाली भी है और फिर आपका अन्नकूट वगैरह सब कुछ है, तो ग्राहक जो है एक दिन में ही खरीदारी करना चाह रहा है। लेकिन क्वालिटी वाला आलू कितने अच्छे रेट पर बिक रहा है ये भी देखिए, डाउन क्वालिटी तो काफ़ी लूजनेस आ रही है, और अंतिम समय आलू का चल रहा है, तो ऐसे में सिकुड़नपन और तमाम ऐसी समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं, तो जिस वजह से दाम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन रविवार होने के बावजूद अच्छा रेस्पॉन्स आज़ादपुर मंडी में आज देखने को मिला है।
अब बात कर लेते हैं मदुरई मंडी की। तो उत्तर प्रदेश की 12 गाड़ियों की आवक है, 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक बिका है। हसन की 3 गाड़ियों की आवक है, 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक बिका है। तो किसान साथियों काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मंडियों में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि ये जो रेट हैं ये जो है बरकरार चलते रहेंगे। इनमें जो कह रहे थे कि डाउन होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। आप खुद देखिए रविवार को ज़्यादातर मंडियाँ बंद होती हैं, लेकिन त्योहारी सीजन होने की वजह से, मांग बढ़ने की वजह से रविवार को भी एक मजबूरी बन गई है आढ़तियों की बैठक के बाद में मंडी खोलने की। तो सुबह बैठक हुई है फिर मंडी खोली गई है, और ये मंडी जो है दोपहर सुबह 10 बजे तक ही चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। ये एक निर्णय लिया गया, ये मैं इसकी सराहना करता हूँ कि ये निर्णय लिया गया, ये किसानों के हित में लिया गया। और जब बैलेंस साफ हो जाएगा तो बुधवार और बृहस्पतिवार को जब मंडियाँ खुलेंगी तो काफ़ी अच्छा, आप किसानों के लिए एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी और जिसका आप भरपूर फायदा भी उठाएंगे। यानी कि कुल मिला के रेट गिरने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऊना हिमाचल प्रदेश का अगर आलू की बात करें तो 1900 से लेकर आपका 2100 रुपये प्रति कट्टा के दाम खुले हैं, जो काफ़ी कॉस्टली है। जब कॉस्टली है तो कोई कौन उसे पकड़ेगा, अभी शुरुआत ही हुई है, तो ऐसे में अभी घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जब आलू उन्हें 900 से लेकर 1150 या 1300 रुपये कट्टा मिल रहा है, किराए कोई खरीदेगा 2100 रुपये का कट्टा, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा ये अभी 4 तारीख से जो है आपके सालक भी शुरू हो जाएंगे, तो सालक में सबसे ज़्यादा यही आलू जाएगा। नया आलू जो है सब पानी छोड़ता है, और पानी छोड़ता है तो सब्ज़ी बेकार होती है। तो ऐसे में हलवाई हो या हो सालक वाले या हो पार्टी वगैरह वाले या हो ठेला खोमचे वाले, तो ये पुराने आलू को ही पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस और थिकनेस होती है। जब थिकनेस और सॉफ्टनेस होती है तो आलू की सब्ज़ी और आलू के जितने भी उत्पाद हैं वो काफ़ी अच्छे हेल्दी बनते हैं। और जो नया आलू होता है वो आप समझते हैं कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो फैल जाता है, सब्ज़ी भी बेकार बनती है, और जो भी स्नैक्स वगैरह बनते हैं वो सब बेकार टाइप में बनते हैं। तो ऐसे में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और मैं चाहता हूँ आप लोग इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें रेटों में जो 800-900 वाला ये चलते रहेंगे, इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर नीचे 50-100 रुपये ऊपर नीचे होते रहेंगे। सालक में देखना ये जो है 1000 के बार पारी बिक जाएगा, जो 700-800 बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके चेन्नई मंडी की। तो 20 से लेकर 24 रुपए किलो आगरा का आलू बिका है। अगर बात की जाए यहाँ पर गुवाहाटी मंडी की, तो काफ़ी हैवी डिमांड होने की वजह से आज जो है रविवार के बावजूद 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो तक बिका है। बंगाल का आलू यहाँ 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक बिका है। कल के मुकाबले 1-2 रुपये की किलो की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। जयपुर की बात करें तो आज जो है लगभग पूरा बैलेंस जो है, जब तक आप लोगों को वीडियो देख रहे होंगे ये बैलेंस बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा, और यहाँ पर जो है 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो बिका है, और एक आध दो लोट जो है 21 रुपए किलो तो बिक गया है। यानी कि बैलेंस बिल्कुल क्लियर हो चुका है जयपुर में। नासिक की बात कर लेते हैं तो 9 गाड़ियों की आवक है, 21 लेकर 25 रुपए किलो तक बिका है, यहां भी बैलेंस बिल्कुल क्लियर है। बेंगलोर की बात कर लेते हैं तो बेंगलोर में 55 गाड़ियों की उत्तर प्रदेश की आवक हुई है। बेंगलोर मंडी आज डाउन हुई है, यानी कि बेंगलोर मंडी तो कब से डाउन चल रही थी, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से इसका बोरा बैठ गया है। आज की बात की जाए कल के मुकाबले यहां पर अगर बीते 4 दिनों की, तो 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये का यहाँ बाजार है, जो कि 1200 रुपये से लेकर 1400 बिक रही थी। अब आप देख लीजिए 400 रुपये की बेंगलोर की मंडी में प्रति कट्टा की गिरावट है। तो ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जो भी व्यापारी भाई बेंगलोर के लिए लोडिंग करते हैं वहाँ डिम्बो आपके मांग कम है, आपने गाड़ी ज़्यादा भेज दी है, इस वजह से बेंगलोर मंडी डाउन है। और किसान साथियों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर सीधा ले जाते हैं तो कहीं अन्य मंडियां भी पास में हैं, आप उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन बेंगलोर मंडी का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रोजाना बताता हूँ, बेंगलोर मंडी डाउन चल रही है। आज जो है सीधे 400 रुपये की गिरावट प्रति कट्टा पे देखी गई है। अब बात कर लेते हैं कानपुर की, तो यहाँ पर आलू जो है बढ़िया आलू 650 रुपये से लेकर 750 रुपये तक बिका है, चाहे वो हॉलैंड हो, ख्याति हो, पुखराज हो, ये 650 से 750 तक बिके हैं। गुल्ला 475 से 575 तक बिके हैं, और किर्री ने तो यहाँ उछाल मार दिया है। किर्री यहाँ पर 350 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति कट्टा तक 40 किलो की तौल में बिकी है। आप खुद जान सकते हैं क्या हालत हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज जो है आपका
15 आड़त खुली हैं, नोट कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं खुली हैं क्योंकि सारा मंडी बंद है। अब मंगलवार को खुलेगी और खुलेगी बृहस्पतिवार को, ये सोमवार और बुधवार को बंद रहेगी, मंगलवार को भी छिटपुट खुल सकती है। हालांकि उन्होंने पूरा तय कर दिया, आपका आज दिनांक 23 अक्टूबर 2022 है, 23-24 तारीख तो इन्होंने पहले से छुट्टी घोषित कर रखी है। हालांकि दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र APMC वालों ने बैठक करने के बाद में आड़तियों को छूट प्रदान की है, वो भी 11 बजे तक की। तो ये देखिए, आज जो मुंबई में बिका है वो 22 रुपए किलो तक बिका है VIP लॉट, और अगर बात करें जाली वाला 18 से 21 रुपए किलो, जूट वाला 17 से 21 रुपए किलो, और जो आपका सीधा ही कोल्ड से गीला जा रहा है 16 से 20 रुपए किलो, हाइब्रिड 302, ख्याति पुखरा 16 से 18, लाल गुलाल 17 से 19, हालैंड आलू 17 से 19, अगर बात की जाए आपके मंचर की तो 20 से 25 रुपए किलो है, और धारवाड़ का 20 से 24 रुपए किलो है। अगर बात करें मैसूर मंडी की, और हैदराबाद की मंडी बोली जाती है, मैसूर मंडी बहंदिया पालिया होती है, यहाँ 23 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो तक अब आज मार्केट चली है। और आज दीसा पुखराज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 1311 रुपए प्रति कट्टा बिका है ख्याति, जो बिका है पुखराज वो बिका है 1521 रुपए। तो इसमें अगर बात की जाए अहमदाबाद की, तो पुखराज बिका है 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, और ख्याति बिका है 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। गुजरात में भी काफ़ी अच्छी डिमांड लगी है। राजकोट की बात कर लेते हैं, तो राजकोट में 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो का राजकोट में है ये जो आलू है पुखराज। और अगर बात की जाए आपके जोधपुर की, तो जोधपुर 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, इंदौर भी 14 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक बिका है। तो अगर बात की जाए आगरा अलीगढ़ यूपी के, तो काफ़ी लोकल मंडियों में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिवाली के मद्देनजर देखने को मिल रहा है। हालांकि आलू जो है जो पका वो होता है उसमें काम में आता है, उसमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, यानी कि कुल मिला के आपके आलू के दामों में अच्छा खासा आज जो है देखने को मिला है, क्योंकि 2 दिन मंडियाँ बंद रहेंगी, ऐसे में खरीदार आज ही सबसे ज़्यादा आलू खरीदारी कर रहे हैं, और अनुमान व्यक्त किया है आड़तियों ने कि आज पूरा बैलेंस भी समाप्त हो जाएगा। तो एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति आप लोगों को बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को देखने को मिल सकती है। अराइवल के अनुसार पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आलू के रेट बरकरार चलते रहेंगे, 750, 800, 900 ये चलते रहेंगे, लास्ट तक चलेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन घबराए नहीं। आपके अगर ज़्यादा आलू बचा हुआ है तो हल्के हाथों से निकालते रहें, अगर कम बचा है तो थोड़ा स्टेबल करके रहें, मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आप लोगों से एक बार पुनः एक निवेदन करूँगा, किसी की बातों में या किसी के बहकावे में ना आएं, और अपने आलू को सचेत होके एक बुद्धि विवेक से इस्तेमाल करते हुए अपने आलू की निकासी करें और दाम बनाते रहें, ऐसा ना करें कि कुछ भी हो, ठीक है। तो किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में भी इस समय पर भारी बरसात हो रही है, गुजरात में भी आपने देख लिया, जो लोग ये कहते थे कि हमारे यहाँ आलू नहीं बढ़ेगा गुजरात का ये, और रोज़ाना रात को फ़ोन करते थे, तो भाई अब आपने देख लिया, मैंने कई लोगों को ये मैसेज भी लिखे थे और कई लोगों से मेरे पास वार्ता भी हुई थी, और मैंने उन्हें कहा था पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपके रेट भी आपके बढ़ेंगे। अब आपको ये यकीन और ट्रस्ट हो गया होगा कि ज़मीनी स्तर पर बात करने वाला है तो वो सोनू चौधरी है, बाकी तो आप फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं, क्योंकि दिवाली मौसम है तो फुलझड़ी तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो ऐसे में इन फुलझड़ी से छोड़ने वालों से बस सावधान रहिए, अगर सोनू चौधरी कह रहा है तो जमीनी स्तर से कह रहा है, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के नाते आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, ना कि पैनिक वाली न्यूज़। पैनिक न्यूज़ तो बहुत चैनल वाले दे रहे हैं, लेकिन जो एक सेट रियल रिपोर्टिंग कर रहा है वो सोनू चौधरी दे रहा है आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों ने भलीभांति जान लिया और समझ लिया होगा। तो मेरे साथ वीडियो में इतना ही, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, और सभी दोस्तों को एक बार पुनः धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और बताएंगे आप लोगों को क्या होगा आलू का और कितने रेट कब तक कहां तक पहुंच जाएंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।